चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से इसी खेल से जुड़ी हुई आ रही है। इस खेल में राज ठाकरे की गेंद में उद्धव ठाकरे के पाले में गेंद को डाल दिया। अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं होती तो राज ठाकरे कहेंगे कि शिवसेना अब हिंदुत्व के पैरोकार नहीं है। उद्धव का रंग बदल गया है, लेकिन राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय राउत ने मीडिया के सामने आके दोबारा कहा कि लाउडस्पीकर विवाद के पीछे भारतीय जनता पार्टी है असली खेल। राज ठाकरे को मुखौटा बनाकर बीजेपी खेल रही है, वो राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही साथ शिवसेना ने राज ठाकरे के दाव का जवाब भी एक नए दाव से दिया। लाउडस्पीकर विवाद में से सबसे ज्यादा घाटा हिंदुओं का होगा, ऐसा शिवसेना ने कहा है। यानी कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स में ट्विस्ट देने की कोशिश शिवसेना ने इस बयान से करी है। महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। बात सिर्फ मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर की नहीं है, आज महाराष्ट्र के बहुत से जो मंदिर है बड़े, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं सुबह की आरती के लिए, जहाँ हम काकड़ आरती कहते हैं, इसके लिए मंदिर में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर आजू बाजू के गांव में हजारों लोग उस आरती के आनंद लेने के लिए जाते हैं उठते हैं। आज वो सभी शिरडी हो, त्र्यंबकेश्वर हो और बड़े बड़े मंदिर हो, अष्टविनायक हो, ऐसे सैकड़ों मंदिर के ऊपर आज लाउडस्पीकर से हम आरती नहीं सुना सके, ये सबके लिए, हिंदुओं के लिए दुख की बात है, श्रद्धालुओं के दुख की बात है, और उसके बारे में सभी लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई है। इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन। तो कमाल की बात है, हिंदुत्व की राजनीति में शिवसेना पीछे नहीं रहना चाहती। वो नहीं चाहती कि राज ठाकरे का दांव पूरा हो जाए, इस वजह से उन्हीं के ऊपर पलट के जवाब दे दिया है कि देखिए मंदिरों पर भी आपने उतरवा दिया।